हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुक्रोत और आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यूज़ यहां पे देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना और एंजॉय करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे चैनल पे आप लोगों को एक अपकमिंग डेज में जो है वो अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है, तो मेक श्योर आप लोग जो है वो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे OnePlus के साथ में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, OnePlus के जो है वो दो डिवाइसेस आप लोगों को इंडिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब जो है वो OnePlus Nord सीरीज में आप लोगों को कोई एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जिसका नाम आप लोगों को OnePlus Nord 2 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो डिवाइस है ये अभी ऑलमोस्ट कन्फर्म यहाँ पे हो चुका है, और ऐसे बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को इंडिया में 10th ऑफ जून को जो है वो देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हमें OnePlus Nord 2 में यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और कौन से प्राइसिंग पे OnePlus जो है वो इसको इंडिया में लॉन्च करता है। तो अब बात करते हैं Redmi की। और Redmi ने जो है वो चाइना में अपने Note 10 5G सीरीज को जो है वो लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को Note 10 5G और Note 10 Pro 5G यहाँ पे दो डिवाइसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है वो Note 10 Pro 5G आप लोगों को 20,000 रुपीज़ के आसपास जो है वो देखने को मिल जाता है, इसका जो बेस वेरिएंट है। और इसका जो हायर वेरिएंट है वो आप लोगों को अराउंड 22,000 रुपीज़ के यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हो सकता है कि ये स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को इंडिया में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाए। तो देखते हैं क्या Redmi अपने Note 10 5G सीरीज़ को इंडिया में यहाँ पे लॉन्च करता है, और अगर लॉन्च करता है तो यहाँ पे इसकी जो है वो प्राइसिंग जो है Redmi क्या रखता है। तो अब बात करते हैं Vivo की। और Vivo V21e 5G ये जो स्मार्टफोन है ये Google Play कॉन्सोल पे जो है वो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। और इसमें आप लोगों को MediaTek Dimensity 700 वाला प्रोसेसर इस बार जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे भी यहाँ पे लिस्ट हो चुका था, और ये स्मार्टफोन आप लोगों को बहुत ही जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं Vivo V21e 5G ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में कितने जल्दी यहाँ पे लॉन्च होता है, और कौन सी प्राइसिंग पे Vivo जो है वो इसको इंडिया में लॉन्च करता है। तो अब बात करते हैं Samsung की। और Samsung Galaxy F22 ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, और इसके बारे में जो है वो मुकुल शर्मा ने हमें ट्वीट करके यहाँ पे बता दिया था। और इसका जो है वो लॉन्च इवेंट आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से स्पेसिफिकेशंस के साथ में आप लोगों को Samsung Galaxy F22 स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो अब बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। और ऐसे बताया जा रहा है कि Xiaomi जो है वो अपने Mi 11 Lite को इंडिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पे लॉन्च कर सकती है, जिसमें आप लोगों को जो है वो अच्छे अच्छे कलर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो है वो आप लोगों को 22 वॉट की चार्जिंग भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी Mi 11 Lite जो है वो इंडिया में लॉन्च होता है, और क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है Mi 11 Lite के लिए, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि आप लोगों को यहाँ पे Realme की तरफ से देखने को मिल जाती है। और Realme X7 Max ये जो स्मार्टफोन है ये आप लोगों को इंडिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, लेकिन इससे लॉन्च से पहले ही इसका जो रिटेल बॉक्स है वो यहाँ पे लीक हो चुका है, और बॉक्स के कंटेंट्स भी जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को इसी महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाला है। बहुत ही एक्साइटिंग आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। देखते हैं Realme जो है वो इसको कितने जल्दी इंडिया में लॉन्च करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी यहाँ पे हमें क्या प्राइसिंग इंडिया में देखने को मिल जाती है। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपके लिए यहाँ पे अपकमिंग डेज में देखने को मिलने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को जो है वो आप लोग पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नोटिफिकेशन आइकन को जो है वो प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, have a great day.